हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको नलकूप चालक की परीक्षा के संबंध में दोस्तों एक बेहद खास जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों उसकी परीक्षा में क्या और नया ऐड कर दिया गया है पुराने नियमों को बदल के, ये मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं आपके सामने। तो सबसे पहले आप दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे साथ में कनेक्ट हो जाइए। तो देख लीजिए दोस्तों मामला क्या है। दोस्तों ये देखिए नलकूप चालक भर्ती लिखित परीक्षा में माइनस मार्किंग भी शामिल, और उन शहरों का भी अनाउंस कर दिया है जिनमें ये परीक्षा होनी है। दोस्तों तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। नलकूप चालक भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा में माइनस मार्किंग भी, और इन शहरों में सेंटरों में होगी परीक्षा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली और आगरा। 3210 पदों के लिए 2 लाख से अधिक आवेदन आए थे। और देख लीजिए परीक्षा योजना इंटरव्यू नहीं होगा, परीक्षा 2 सितंबर को, यानी परीक्षा का भी अनाउंस कर दिया है 2 सितंबर को है। और हर विषय से कितने कितने प्रश्न आने हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हिंदी परिज्ञान एवं खेल लेखन योग्यता से 25% 25 अंक, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं प्रारंभिक गणित से तो इससे 35% आएंगे दोनों से मिलाकर कुल, और 35 अंक, और 3 ट्रेड यानी जो ट्रेड है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे 60, तो उनके लिए 60 मार्क्स, कुल 120 प्रश्न 120 मार्क्स होंगे दोस्तों आपके। तो देख लीजिए ये 120 अंकों की परीक्षा होगी, अनाउंसमेंट कर दिया है आपको, मैं बता चुका हूँ 2 सितंबर को होनी है, ये भी पक्का तय है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे साथ में कनेक्ट हो जाइए।